अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य तैयारियां की गई हैं, जिसके तहत महानगर के विभिन्न चौराहों को लाइटों से सजाया गया है और विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर भी यज्ञ और हवन का भव्य आयोजन बुधवार को किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा के मंत्री तथा बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, इसमें हिंदू हिंदू परिषद काफ़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको लेकर क्या तैयारी? कोटि कोटि हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव और हर्ष का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस आंदोलन को लेकर के विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ, वो आंदोलन आज अपने चरम पर है। आज हम उस स्थान पर जहाँ पर कभी कोई विवादित ढांचा हुआ करता था वो हटा, उसके बाद आज हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि आने वाले समय में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस भूमि पर निर्माण कार्य का प्रारंभ करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तैयारी की हुई है। गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हवन, पूजन, यज्ञ और सायंकाल भव्य आरती और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है। इसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, महानगर के सभी कार्यकर्ता, और पूरे शहर को तोरण द्वार ध्वज और लाइटों से सजाया गया है और साथ में ये कामना करी जा रही है कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो और उससे पूरा हिंदू समाज एक समरसता के भाव में एकजुट होकर के आए। मंदिर निर्माण गोरखपुर कितनी भूमिका? मंदिर निर्माण और गोरखपुर या राम मंदिर आंदोलन और गोरखपुर एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। यहाँ के सबसे बड़े पीठ गोरक्षपीठ के 5 पीढ़ियों ने राम मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व निछाड़ किया। 2 पीढ़ियाँ तो हम लोग ने अपनी आंखों से देखा है। बड़े महाराज जी जब बात किया करते थे, जब माननीय अशोक सिंघल जी आते थे, बड़े महाराज जी जब भी बात किया करते थे तो केवल मंदिर के बारे में बात करते थे और कहते थे जब कब बनेगा मंदिर, जल्दी से मंदिर बन जाता, लेकिन उनका सब स्वप्न पूरा उनके रहते नहीं हो पाया। ये बहुत दुख का विषय है और आज जब हम ये पावन बेला हम लोग के समक्ष आ खड़ी है तो निश्चित तौर पे माननीय अशोक सिंघल जी और पूज्य बड़े महाराज जी वहाँ पे बैठ करके स्वर हम लोग को देख रहे होंगे और निश्चित तौर से प्रसन्न होंगे कि आज उनके जो स्वप्न था वो इस रूप में पूरा हो रहा है कि भव्य मंदिर का निर्माण और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आकर के भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिन्होंने अयोध्या की पूरी रचना ही बदल दी है। अयोध्या वो अयोध्या नहीं है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़े बढ़िया मंदिरों का रूपरेखा ऐसा पूरा विस्तार कर दिया है कि अयोध्या निश्चित तौर पे आने वाले समय में विश्व के बहुत बड़े पर्यटन स्थलों में विकसित होने वाली है। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या और धार्मिक स्थलों का विकास किया है, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने गुरु का सपना साकार किया है। साथ ही पूर्वांचल के एक बहुत पुराने बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जिन्होंने ताला खुलवाया था, उनका भी यहाँ से जुड़ाव रहा है। इसलिए गोरखपुर एक बहुत ही उसमें कई फौरी उस पर तौर पर एक तो अयोध्या के नज़दीक होने से हमेशा बहुत बहुत से कार सेवक यहाँ से गए, बहुत से कार सेवकों ने वहाँ लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई। इस पूरे क्षेत्र का एक लगाव है राम जन्मभूमि से और ये पूरा क्षेत्र राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ा हुआ है।